हेलो एवरीवन, आज हम लॉगरिथम से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली कैट 2018 में पूछा गया है। इफ लॉग ऑफ 81 टू द बेस 12 इज इक्वल टू पी, देन 3 टाइम्स 4 माइनस पी ओवर 4 प्लस पी इज इक्वल टू, एंड द ऑप्शंस आर। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। log of 81 to the base 12 की वैल्यू p के इक्वल गिवन है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ये जो 81 है इसे लिख सकते हैं 3 raised to the power 4। log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम 4 को बाहर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 into log of 3 to the base 12 is equal to p। p को हम नीचे ले आए और log 3 by 12 को इस तरफ ले आए, तो 4 ओवर p इज इक्वल टू 1 ओवर log 3 टू द बेस 12। अब दोनों तरफ हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करें तो इमीडिएटली वी विल गेट 4 माइनस p। यहाँ डिविडेंडो हमने पहले अप्लाई किया है एंड देन कंपोनेंडो, दैट मीन्स न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया। सेम ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड पे भी करना होगा, सो 1 माइनस log of 3 to the base 12 over 1 plus log of 3 to the base 12। इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं log of 12 to the base 12 minus log of 3 to the base 12 over log of 12 to the base 12 plus log of 3 to the base 12। लॉग की प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करें, यहाँ पर बेस सेम है, प्लस और एक माइनस साइन है और दोनों का हम लॉग ले रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 12 ओवर 3 टू द बेस 12। ऐसे ही यहाँ हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 12 इंटू 3 टू द बेस 12। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस पी ओवर 4 प्लस पी किसके इक्वल हो जाएगा, 12 ओवर 3 होता है 4, तो ये हो गया है log of 4 to the base 12 divided by log of 12 into 3 36 to the base 12। logarithm की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर हमें कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाए log of a to the base b, तो हम इसे एक डिजायर्ड बेस में बदल सकते हैं इस तरह से log of a to the base c डिवाइडेड बाई log of b टू द बेस c। या अगर इस तरह से इंफॉर्मेशन लिखी हो तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बेस है दोनों केस में सेम है, तो ये एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगा log of 4 टू द बेस 36 के। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर्ड, 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर्ड, 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा तो 2 ओवर 2 इंटू log of 2 to the base 6, ये cancel हो गया है। So what we get here, that 4 minus p over 4 plus p is equal to log of 2 to the base 6। Question में हमें यहाँ पर into 3 भी किया गया है, तो अगर हम into 3 यहाँ कर दें और into 3 यहाँ कर दें, तो अब हमारे को इस expression की value निकालनी है। इस 3 को हम यहाँ power में ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 raised to the power 3 to the base 6 या log 8 to the base 6, और ये हमारे पास में एक ऑप्शन में अवेलेबल है।